तो आज मैं आप लोग को ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर बताया गया है कि जिन्स को कैसा बुलाते हैं, ब्लैक मैजिक कैसा करते हैं। और ये एक्चुअल में मूवी यूट्यूब पे, इसका नाम है सिचिन, मूवी का नाम है, स्पेलिंग है SICCIN। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मगर मैंने ना 2-3 पार्ट्स ही देखा हो, मगर मैंने इसकी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ा हो, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत आप लोग ही कमेंट करके बोलते सिचिन मूवी के बारे में बताओ, तो मैं सिचिन मूवी ऐसे उसके बारे में स्टोरीज बहुत पढ़ाओ, और प्लस मेरे दोस्त लोग भी बहुत फाउंड है ये मूवी के, तो मैं उसके ऊपर आप लोग को बताऊँगा कि सिचिन मूवी रियल है या नहीं है, क्योंकि इतने लोग कुछ नहीं है भाई रियल हो रहा है, बता दो आप लोग को ये चीज़। पूरी देखना वीडियो, एक भी मिनट स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ना ये दाढ़ी में दिन का, तो पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ना इसके अंदर मूवी के अंदर बताया गया है कि कैसा जिन्स को बुलाते हैं, कैसा लोग है ना अपने मतलब कुछ भी करने के लिए, उल्लू की चीज़ करने के लिए उल्लू कुछ भी कर सकते, कोई भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरे लोग वो हद तक जाते भी है पैसे के लिए, मतलब कैसी कैसी चीज़ बताया ये मूवी के अंदर बताया गया। और ये मूवी यूट्यूब पे, मालूम नहीं ये वीडियो अगर मेरी वायरल हो गई यूट्यूब निकाल दिया, मेरी वीडियो नहीं, वो सिचिन मूवी तो अलग बात है, मगर अभी तो फिलहाल है, अगर आपको जाके देखना है तो देखो, शायद हिंदी में भी और तुर्किश लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी है, क्योंकि ये मूवी है ना तुर्किश है, एक्चुअली तुर्की में बेस्ड है, क्योंकि कहते हैं कि ना जो ये सब होता है चीज़ें, जो ब्लैक मैजिक होता है, ये सब बॉर्न हुआ है एक्चुअली मतलब ऐसी अरबिक प्लेसेस में, लैटिन प्लेसेस में, मगर तुर्की में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तुर्की में ना कैसे बहुत लोग है ना अमीर भी रहते हैं, बहुत लोग गरीब भी रहते, तो अभी गरीब को कभी अमीर को सताना है या अमीर को कभी गरीब को सताना है, तो लोग वहाँ पर करते रहते हैं। वहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर तुर्की में, तो वहाँ पर दो जगह, एक है एशिया और एक है यूरोप, एशिया यूरोप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है बराबर, लेकिन टर्की के अंदर एशिया भी है यूरोप भी आता है, और एक ब्रिज आता है बॉस्फोरस ब्रिज करके, वो ब्रिज उसको कनेक्ट करता है, इस तरफ आ गए तो आप एशिया में, इस तरफ आ गए तो यूरोप में। और अगर आप देखेंगे ना वहाँ पर जाके, तो यूरोप इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टर्की की, और वहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं, हाई क्लास वाले रहते हैं, वहाँ पर खाना एक्सपेंसिव, सब चीज़ें मस्त, गाड़ियाँ अलग। एशिया में आ जाएंगे ना सब गरीबी, मतलब इतनी भी गरीबी नहीं, मगर गरीबी, और आप साइड देखेंगे आप खुद को यकीन होएगा, मतलब ओरिजिनल टर्की देखना है तो एशिया, और मॉडर्न टर्की देखना है तो यूरोप जाओ। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और इसके अंदर मैंने देखा नहीं था, इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, मैं छोटा था जब टर्की गया था, मगर अभी फ्यूचर में प्लानिंग है मेरा जाने का, कोविड खत्म हो जाएगा तो, और जैसे ही जाऊँगा तो मैं वहाँ पर व्लॉग्स बना के आप लोग को बताऊँगा, ऐसी जगहें जाऊँगा जहाँ पर सिचिन मूवी बनी है, सिचिन ही नहीं बल्कि मेरी फेवरेट मूवी भी बनी है वहाँ पर, वो मूवी का नाम है डैबी द पोजिशन, वो भी टर्किश मूवी है। तो इसके अंदर कैसा बताया गया, मतलब सिचिन और डैबी एक्चुअली है ना सिमिलर मूवीज है, लेकिन सिचिन में बताया गया है कि है ना एक रियलिटी है, उसके अंदर है ना एक लड़की रहती है, उसको उसके कज़न से शादी करने का रहता है, लेकिन उसका कज़न है ना दूसरे से शादी कर लेता है, अभी थोड़े टाइम बाद जैसे ही बच्चा होने वाला होता है, तो कज़न एकदम अच्छे से रहते हैं, उन लोग की फैमिली अच्छे से रहती है, उसकी जो भी बॉर्न हुए सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो लड़की जिससे उसको प्यार होता है वो बोलती है नहीं मेरे को वो चाहिए लड़का, तो वो एक है ना पादरी मतलब एक आदमी के पास जाती है जो ऐसा बहुत ब्लैक मैजिक करता है, ये सब करता है, जिन्स को बुलाता है, तो वो जाके बोलती है कि मेरे को है ना कैसे भी वो लड़का चाहिए, उससे ही शादी करूँगी मैं, करूँगी तो उससे ही बच्चा चाहिए मेरे को, कुछ भी हो जावे, आप पैसे लो लो, आप जिन्स को बुला लो, आप कुछ भी कर दो, गंदी चीज़ें, तो बोलता भी है कि भाई देख मैं कर तो दूंगा, लेकिन अगर आ गया ये सब तो ये सब तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और जो भी तू फ्यूचर में जैसे ही तेरा मतलब समझा स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जैसा इस्लामिक में अगर आप मर जाते तो आपके बाद एक अलग लाइफ चलती है जो जन्नत जन्नम की रहती है, तो आप कभी जन्नत नहीं जा पाएंगे, यू कांट गो टू हेवन, सिर्फ हेल में जा सकते आप, वो बोलती है मेरे को चलेगा, इतना मतलब क्रेजी हो जाती है, आपको तो मालूम अगर शैतान आ जाते तो क्रेजी हो जाते लोग, तो वो भी है ना थोड़ा क्रेजी रहता है जो रहता है पादरी टाइप, तो वो बोलते हैं कि ना ठीक है बोन्स निकालता है, हड्डियाँ निकालता है, बोलता है कि ना उसका बाल का टुकड़ा लाओ ये वो, तो ला के बताते हैं उसके अंदर है ना, मतलब आपको लगेगा कि रियल स्टोरी है, रियल थिंग्स है, बिकॉज वो उसने उन लोग ने इतना मतलब परफेक्टली प्रेजेंट किए, तो उसके अंदर वो बताते हैं कि बोन्स लाओ या हड्डी लाओ और ये सब चीज़ रखो, तो इसकी वजह से जिन आएंगे उसको अटैक करेंगे, उसकी फैमिली को अटैक करेंगे, उसको नहीं करेंगे, उसकी वजह से उसकी फैमिली एकदम दुखी हो जाएगी या मर जाएगी या चले जाएगी, लेकिन उन लोग चले नहीं जाते, क्योंकि उसका भी वो जो लड़की रहती है उसकी फैमिली बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे डिसेंट करके रहते, तो उन लोग को ऐसा नहीं रहता है कि भाई मैं चले जाओ, उसके अंदर जो बूढ़ी औरत रहती है उन लोग के साथ रहती है, जो ग्रैंड माँ रहती है, उसको मालूम पड़ता है कि भाई कुछ हो रहा है, वो सेंस करती है, लेकिन उन लोग को बोलती है, उन लोग को सुनते नहीं है, बच्चे लोग रहते,
तो उन लोग के अंदर रहना मतलब अलग अलग चीज होने लगती है घर में। कभी देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत चल नहीं पाती, और चल के आती है उन लोगों को डराती है, ऐसे सब चीजें रहती है उसके अंदर मूवी में। अगर आप देखेंगे सचिन मूवी, और उसके अंदर बताया गया है कि कैसे जिन्स को उन लोग कंट्रोल करके दूसरे के घरों में भेजते कुछ खराबी करने के लिए या कुछ करने के लिए। भूत भूत नहीं होते, सिर्फ वैसे ही खराबी करने के लिए भेजते। उसके लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे आपका बाल हो गया या कुछ हड्डी का हो गया। मैंने आप लोग को बताया ये चीज सब चीजें। तो अगर आपको पहले पूरी पूरी चीज मालूम करना है, ये बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा डरावनी मूवी है। अगर ये आप लोग को मूवी देखना है तो प्लीज केयरफुल होना, 18 प्लस होना है ये मूवी देखने के लिए। अगर आप 18 प्लस हो तो ही आप देख सकते हो। अभी मैंने दो बार होना बोल दिया, आप लोग बोलेंगे क्या फुरगान आप हैदराबादी हो? नहीं भाई, मैं मुंबई में रहता हूँ, गलती से हो जाता है कभी कभी। तो ये मूवी अगर आपको देखना है तो 18 प्लस रहना, फिर ही देखना, और अकेले तो देखना ही नहीं, और रात के टाइम पे तो देखना ही नहीं, जो टाइम पे मैं वीडियोज बनाता हूँ 3 बजे, डरावना टाइम है। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये मूवी फेक है कि रियल है। तो पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी मूवीज आती है ना, वो रियल नहीं रहती। आपको क्या लगता है, लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हो, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कैमरा लेके जाएंगे कि वहाँ रिकॉर्डिंग करो, ये सब फेक रहता है, ये सब सिर्फ फिक्शनल रहता है। मगर इन लोग बताना चाहते हैं कि ये सब रियल में होता है। उन लोग मतलब अगर आप कोई भी मूवी देख लो, किसमें भी देख लो, उन लोग कभी ऐसा नहीं बताया गया कि भाई फेक है। उन लोग बताना चाहते हैं कि ये सब ऑलरेडी होता है लाइफ में आपके साथ। अभी कैसा है मालूम है, अगर आप फास्ट एंड द फ्यूरियस वो सब की बात करेंगे वो तो अलग लेवल की मूवीज है ना, फेकड़ी तो बहुत देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो रियल स्टोरी पे बेस्ड रहती है मूवीज, जैसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई या कोई भी हॉरर मूवीज हो गई, कंज्यूरिंग सीरीज सब रियल है। मगर जो मूवी में बताया गया वो रियल नहीं हो रहा है, वो तो मतलब आप समझ रहे हो एज ए फिक्शनल एज ए थिंग हो रहा है कि हाँ भाई ये हो चुका है इवेंट, इसका ही हम लोग एक इवेंट का ही चीज़ लेके एक मूवी बना रहे। तो वैसे ही ये सचिन भी है, ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, इंडिया में भी होती है, इंडिया में तो बहुत होती है, क्योंकि कहते हैं कि 60% ब्लैक मैजिक इंडिया में होता है, ज़्यादा करके वो साउथ साइड पे होता है और किधर होता है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ देखने। अगर आपको मालूम है आपके घर के आसपास होता है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि हमारे पे हो जाएगा तो हमको डर लगता है, इसलिए हम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप पे हो रहा है सब ब्लैक मैजिक, तो कोई अच्छे आदमी को बताओ और ये ब्लैक मैजिक हटाओ, क्योंकि ये हट भी सकता है, मगर आपका थोड़ा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, तो आप जाके बताओ। सो दिस वॉज इट गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है। अगर आपको सही में ये मूवी देखना है तो अब भी जाके देखो, मैं आप लोग को तीसरी बार बोल दिया, क्योंकि ये वीडियो डिलीट हो सकती है, मूवीज़ डिलीट हो सकती है, मेरी वीडियो नहीं मूवीज़ डिलीट हो सकती है। तो जाके देखो, मैं लिंक्स नहीं डालूंगा, सचिन लिखो आ जाएगी मूवी, अरेबिक में रहेगी, टर्की में रहेगी, कोई भी मिलेगी, सब टाइटल होगी देखो। और अगर आपको ओयो रूम्स में जाना है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप फुरकान ओयो लिखेंगे। तो गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं आज करूंगा, शायद ये वीडियो डालूंगा वो दिन करूंगा, तो जो भी जीता है वेरी नाइस, आज ही मैं डिसाइड करने वाला हूँ, कल एडिट होगी, परसों आएगा, तो परसों के दिन गिव अवे हो जाएगा। आप लोग को अगर गिव अवे जो भी जीता है उन लोग का मेरे को प्लीज़ एड्रेस भेजो, और जो भी एड्रेस का डिलीवरी है 80 रुपीज़ समथिंग होएगा वो भेज दो, तो मैं आप लोग को दे दूंगा, और अगर मुंबई में तो फ्री डिलीवरी है। और अगर आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे को बताओ, अपन बात भी कर सकते हैं, सिर्फ गिव अवे वाले लोग के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग के लिए, और सबको गिव अवे मिलेगा। मेरा 55,000 सब्सक्राइबर हो भी गए थे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, अगर 100,000 हो गया ना, मैं सबको गिव अवे में शाउट आउट और कॉल करूँगा, लिटरली सबको कॉल करूँगा मेरे प्राइवेट नंबर से। आप वहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो शेयर वीडियो करो, सबको भेज दो, सबको बोलो सब्सक्राइब करने, गर्म हो रहा है मेरे को, क्योंकि ए सी चालू नहीं हो, मेरे को वीडियो बनाना था, तो बोला वीडियो के बाद ए सी चालू करना, बत्ती के बिल बहुत आते। तो मिलते हैं अगली बार, सचिन मूवी देखो।